तो आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट भी आप तमाम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से एनडीए की सरकार जो है वो एक बार फिर से बन गई है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कल शाम शपथ भी ले लिया है। अब बात करेंगे एक ऐसी पार्टी के बारे में जो इस चुनाव में भागीदार थे, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 8 सीट पर चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में दो तीन सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, इसके अलावा खुद वो हैदराबाद से चुनाव लड़े ओवैसी साहब, एक वही सीट वो जीत पाए, उसके अलावा उनकी पार्टी कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी वो अनुप्रिया पटेल के साथ जो उनका अपना एक दल है, अपना दल कमेरावादी, उससे गठबंधन इन्होंने किया और उस गठबंधन के तहत इन्होंने एक नए मोर्चा का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया PDM, पिछड़ा दलित मुसलमान, और उसके तहत इन लोगों ने 11 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सिंबल तो नहीं दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने अपने सिंबल के तौर पर 11 सीट पर चुनाव लड़ा। ओवैसी साहब भी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन कामयाब रहा, क्या वहां कोई कामयाबी मिली या फिर इस गठबंधन से कोई भी फायदा नहीं देखने को मिला। आपको बता दें दोस्तों कि 11 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और इनकी पार्टी ने, ये दोनों उस वक्त की ही तस्वीर है, आप देख सकते हैं जब ये इन लोगों ने जब गठबंधन किया था उस वक्त की ये तस्वीर है, जब अनाउंसमेंट हुआ था लखनऊ में तो उस वक्त की ये तस्वीर है। आपको बताएं कि ये जब गठबंधन हुआ तो क्या ये गठबंधन कामयाब रहा, क्या इस गठबंधन से कोई रिजल्ट देखने को सही पॉजिटिव रिजल्ट मिला, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये आगे की तरफ जो है कुछ कामयाबी जो है इसमें देखने को मिल सकती है। देखिए 11 कैंडिडेट थे, इन 11 कैंडिडेट ने मिल करके जो वोट प्राप्त किया है, जो वोट गेन किया है, वो 1 लाख से भी कम है। जी हाँ, 11 कैंडिडेट मिलकर के, यानी कि 11 प्रत्याशियों का वोट अगर आप जोड़ देंगे ना, तब भी 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, वो उस तरीके से वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। ओवैसी साहब भी प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे थे, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। कहा सकता है कि एक तरह से वहाँ के लोगों ने नकार दिया इस गठबंधन को, और कहा जा सकता है कि चूँकि PDA पहले से था, आप तमाम लोग जानते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव का एक तरह से, अखिलेश यादव ने ये मोर्चा संभाला था, और ये जो PDA है ये वहाँ काफ़ी कामयाब नज़र आई। लेकिन इसी के साथ जो PDM बनाया गया, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जगह मुसलमान किया गया, वो वोट बैंक नहीं गेन कर पाई। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वोट्स जो है सामने आए थे और क्या कुछ, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए अपना दल कमेरावादी जो है ये चुनाव लड़ती है, ये पार्टी, ये गठबंधन, इसमें देखिए सीतापुर से मोहम्मद कासिफ अंसारी साहब कैंडिडेट थे, इन्हें सिर्फ 7586 वोट मिला जो कि 0.69% था, इसके 0.69। रायबरेली से, जहां पर प्रियंका गांधी, रायबरेली जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वहां मोहम्मद मुबीन को कैंडिडेट बनाया गया था, यहां सिर्फ उन्हें 2174 वोट मिला। ऋषि पटेल जो कि प्रतापगढ़ से बने थे, इन्हें सिर्फ 2429 वोट मिला। झांसी से चंदन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ 2491 वोट मिला। बांदा से प्रमोद आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें 2142 वोट मिला। कौशंबी से नरेंद्र कुमार लड़ रहे थे, इन्हें 5131 वोट मिला। फूलपुर से महिमा पटेल चुनाव लड़ रही थी, यहाँ 4162 वोट मिला। अलाहाबाद से हंसराज कोल चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ इन्हें 2141 वोट मिला। जौनपुर से शाह आलम को सिर्फ 2003 वोट मिला। वाराणसी से जहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, गगन प्रकाश यादव को उन्होंने टिकट दिया था, 3634 वोट मिला। उसके बाद मिर्ज़ापुर से दौलत सिंह पटेल को इन्होंने टिकट दिया था, 5235 वोट लाए। तो इन पूरे कैंडिडेट को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट जो है सीतापुर से कासिफ अंसारी, जिन्हें 7586 वोट मिला था। बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 5235 वोट ला करके मिर्ज़ापुर के कैंडिडेट दौलत सिंह पटेल जो है वो दूसरे नंबर पर है। ये जो 11 कैंडिडेट है इनका जमानत जब्त हो गया, जमानत जो है वो जब्त हो गया, यानी कि इन लोगों ने जो चुनाव लड़ने के लिए अगर मिनिमम जो शायद 25,000 रुपया पैसा देना होता है, ये भी पैसा इनका जो है बर्बाद हो गया होगा। और बाकी चुनावी मामलात में तो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों खर्च होते हैं,
तो ये वो कैंडिडेट हैं जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने जो है अपना दल कमेरावादी के साथ ये लोग आए थे, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और यहाँ की जनता ने इन लोगों को पूरी तरीके से निकाल दिया, कह सकता है कि इग्नोर कर दिया। मैंने शायद शुरू में अनुप्रिया पटेल कह दिया था, हालांकि अनुप्रिया पटेल नहीं, ये पल्लवी पटेल जी थी, है ना, पल्लवी पटेल के साथ जो है इन्होंने गठबंधन किया था। पल्लवी पटेल की सिस्टर है एक, वो है अनुप्रिया पटेल। तो ये पल्लवी पटेल जो है इन्होंने गठबंधन किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, लेकिन ये पूरी तरीके से नाकामयाब गठबंधन रहा। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है, आगे क्या तस्वीरें होती है, ये वक्त बताएगा। आप तमाम लोग इस गठबंधन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और इस नाकामयाबी पर आपकी क्या ज़हनियत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।